नमस्कार मारा वाला विद्यार्थी मित्रों, आज बात करीशुं धोरण 9 अने विषय हिंदी ना काव्य नंबर 1 आराधना काव्यनो संपूर्ण स्वाध्याय सॉल्यूशन करीशु, जे तमने मित्रों परीक्षा में खूब उपयोगी निवडशे। तमे आ जवाबो हिंदी नोटबुक में लखी सको। अपने चेनल में मित्रों तमाम विषय स्वाध्याय सॉल्यूशन साथ मुकवामां आवे छे, तो चेनल ने सब्सक्राइब कर बाजू में आपेला बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन कर देंजो। आराधना मित्रों तेना कवि छे वसंत बापट, जे ख्यातनाम एक कवि छे। तेमनो जन्म महाराष्ट्र का सतारा जिले के कराड नामक के गाँव में हुआ था। त्यार पछी मित्रों आज छे ये प्रार्थना छे, आ उपरांत शब्दार्थ अने जे टिप्पणी छे एनी अंदर शब्दोना अर्थ आपेला छे, तो मित्रों खास जे छे तमे लखी देजो, जेथी तमने परीक्षानी अंदर पूछाय तो आवडी सके। हवे वात करीशुं स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। प्रश्न नंबर 2, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, कवि दुर्बलों के रक्षार्थ है किसकी साधना चाहते हैं? तो कवि दुर्बलों के रक्षार्थ है पौरुष की साधना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 4, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। प्रश्न नंबर 5, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो उत्तर, मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है, इन दुखों से छुटकारा पाने के उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता, उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कवि की क्या अभ्यर्थना है? तो कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, इसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, इसकी सभी आशाएं पूरी हो, वो मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धौरवर बने। प्रश्न नंबर 4, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो उत्तर, संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद है। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता, इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, देह मंदिर चित मंदिर एक ही प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। उनके चित और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे। प्रश्न नंबर 2, भेद सभी अस्त होने बेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हमें चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। उत्तर, आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं, ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है, इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा, तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। प्रश्न नंबर 4, काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए।
देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही खाली जगह और उसकी साधना। मित्रों पूर्ण करेंगे, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए हे की मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों की रक्षार्थे पौरुष की साधना। प्रश्न नंबर 2, जीवन में नव तेज हो से लेकर बंधुता की कामना। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शरीर पावे धैर्य पावे आई है अभ्यर्थना, वेद सभी अस्त होवे बेर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। प्रश्न नंबर 5, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो दुख तो सुख, जीवन तो मृत्यु, सत्य तो असत्य, सुंदर तो असुंदर, अस्त तो उदय। तो संपूर्ण पेला काव्यनु सोल्यूशन पूर्ण थाय छे। पाठ नंबर 2 नु सोल्यूशन जोवा मांगो छो तो आपेली एंड स्क्रीन पर क्लिक करी अने मेळवी शको छो।